Friends, today we are going to discuss R.K. Narayan's famous short story, A Horse and Two Gods, that was first published in 1960 in The Hindu and it was republished in 1970 and 1985. अब हम बात करते हैं आर के नारायण की से जुड़ी हुई कुछ बातें। आर के नारायण, जैसा कि आप जानते हैं, आर के नारायण का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जो जन्म था ये 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ था, जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है आजकल। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 13 मई 2001 में हुई थी। आर के नारायण को जाना जाता है इनके रीजनल्स उपन्यासों के लिए, इनके क्षेत्रीय उपन्यासों के लिए। अगर जो हम क्षेत्रीय स्थान की बात करें, इनके रीजनल प्लेस की बात करें, तो एक बहुत ही फिक्शनल टाउन है इनका, जिसका बहुत ही फेमस और फिक्शनल टाउन, जिसका नाम है मालगुडी। मालगुडी के लिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और ये साउथ इंडियन टाउन है आर के नारायण का, जिसका नाम मालगुडी है। आज हम बात करते हैं अपनी कहानी अ हॉर्स एंड टू गॉड्स की। ये जो हॉर्स एंड टू गॉड्स है, ये कृतम नामक विलेज की कहानी है। अब सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कृतम का अर्थ तमिल में क्या होता है। तो कृतम का जो अर्थ है तमिल में, उसका मतलब होता है क्राउन या फिर कॉरनेट, इसका मतलब ताज, मुकुट या ताज को कृतम कहा जाता है। तो ये कहानी एक तमिल के गाँव की है और इस गाँव में मुश्किल से 30 घर हैं और उन 30 घरों में केवल एक ही बड़ा घर है जो कि ईंटों का बना हुआ है और वेल सीमेंटेड है। ये घर है मनी लेंडर का, गांव के जमींदार का ये घर है। इस कहानी के अगर जो हम किरदार की बात करें, तो इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो है मुनी, मुनी की वाइफ, और इसके अलावा एक शॉपकीपर, एक अमेरिकन और गांव का जमींदार। और इसमें जीवों की बात करें तो यहाँ पर एक हॉर्स, एक घोड़ा और 2 बकरियां भी हैं इस कहानी में। अब घोड़ा कैसा है, क्या घोड़ा वास्तव में कि वो सजीव है या फिर कोई मूर्ति है, वो आपको कहानी को सुनकर पता चलेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी अ हॉर्स एंड टू गॉड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी जो है ये कृतम नामक एक गाँव की कहानी है और इस कहानी का जो प्रोटैगोनिस्ट है वो मुनि है। मुनि जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है और ये 70 साल की उम्र के करीब व्यक्ति है, ये अपने घर में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसका जो व्यवसाय है वो भेड़ बकरियों को चराना है। जो मुनि है, मुनि के पास अगर जो हम बात करें तो मुनि के पास पहले काफ़ी भेड़ बकरियां थीं और ये कहा जाता था कि कम से कम इसके पास 40 भेड़ें और बकरियाँ थीं। लेकिन वक्त इस प्रकार से घूमा कि मुनि को अपनी भेड़ बकरियों को बेचना पड़ा अपने घर की आर्थिक स्थिति के कारण, घर को चलाने के कारण। और इतना ही नहीं, कुछ भेड़ बकरियों को इसकी कुछ जो भेड़िए थे या फिर जो चीते थे वो खा गए और इसके अलावा कुछ चोर चुरा कर ले गए, ऐसा कहा जाता है। अब इस समय केवल और केवल मुनि के पास 2 बकरियाँ हैं, जिनके से ही वो अपने जो परिवार का पालन पोषण है वो करता है। अब होता क्या है, कहानी की जो स्टार्टिंग है वो मुनि के घर से होती है। मुनि अपने घर में अपनी पत्नी के पास आता है और वो आज कुछ सहजन और सेम की फलियां हैं वो लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी इच्छा एक अपनी पत्नी से व्यक्त करता है कि आज उसकी चटनी खाने की इच्छा है, कि वो सहजन की पत्तियों की चटनी खाना चाहता है। तो उसकी पत्नी कहती है, ठीक है आप चटनी खा लेना, लेकिन चटनी के लिए कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, कुछ सामान की आवश्यकता होती है, तो आप एक काम करें, वो सामान जाकर बाजार से ले आओ। मुनि जो है वो दुकानदार के पास जो है सामान लेने चला जाता है। सामान में क्या, जैसे कि मसाला चाहिए था चटनी बनाने के लिए, इसके अलावा कुछ तेल, आलू, कड़ी पत्ता, मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए थी उसको टेस्ट डालने के लिए। तो मुनि दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से उसको जो है ना वो सामान देने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे दुकानदार को देने के लिए।
अब दुकानदार उसको बिना पैसे के लिए बिना पैसे के सामान देने के लिए मना कर देता है कि वो कहता है कि मैं तुझे उधार नहीं दे सकता हूँ, पहले मेरा पुराना जो कर्ज है वो चुका दो। तो मुनि उससे कहता है कि जब मेरी बेटी 50 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी, तो मैं आपका पैसा जो है वो चुका दूंगा। लेकिन दुकानदार इसकी बात पर हंसता है, कहता है कि तुम्हारी उम्र खुद 70 साल की लगती है। और वास्तव में ये हकीकत भी थी कि मुनि की कोई भी लड़की नहीं थी, वो तो दुकानदार से बस झूठ बोल रहा था। अब मुनि खाली हाथ घर पर लौट आता है। इस पर इसकी जो पत्नी है वो उस पर व्यंग करती है कि वो किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है और उधारी का जीवन जीता है, जबकि आजकल तो उसको उधार भी मिलना बंद हो गया है। अब मुनि बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और इस उदासी में वो अपनी दोनों बकरियों को लेकर वो चराने निकल जाता है। जनरली मुनि कहाँ जाता है, सड़क के किनारे जो घास फूस का सा मैदान होता है वहाँ पर अपनी बकरियों को ले जाता है, वो हाईवे के पास में अपनी बकरियों को ले जाता है चराने के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो जनरली एक मूर्ति के नीचे बैठता है। ये जो मूर्ति होती है ये एक घोड़े की मूर्ति होती है, विशालकाय घोड़े की मूर्ति है जहाँ पर मुनि बैठता है। और मुनि जो है, मुनि को उसके दादा ने इस बकरी के बारे इस घोड़े के बारे में ये बताया था कि कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तो वो इस घोड़े के माध्यम से होगा। ये जो घोड़ा है ये जीवित हो जाएगा, एक दिन ये घोड़ा जीवित हो जाएगा और जितने भी पापी हैं इस संसार में उन सबका अंत हो जाएगा। ये जो पंक्तियाँ हैं ना, हमें ये याद दिलाती हैं दोस्तों, अगर जो आपको याद हो कि एक कविता है सेकंड कमिंग, तो उसमें भी यही याद आती है, यही लाइनें आती हैं कि टर्निंग एंड टर्निंग वाइडनिंग आयर द फाल्कोन कैन नॉट हियर द फाल्कोनर, कि भगवान का अवतार तो होना ही है, कि मतलब जो फाल्कोन है ना वो फाल्कोनर की आवाज़ को नहीं सुन रहा है, एक शिकारी चिड़िया अपने शिकार की आवाज़ को नहीं पहचान पा रही है। और इसका मतलब क्या है, जो बुराइयाँ बढ़ रही हैं तो उनका अंत तो होना ही है और एक दिन ऐसा ही होगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भगवान आएगा और जो पापियाँ हैं उनका अंत कर देगा और केवल ये घोड़ा जीवित बचेगा, वो ऐसा उसको मतलब बताया गया था उसके दादा के द्वारा। और जब मुनि वहाँ पर बैठा हुआ होता है तभी एक व्यक्ति, एक अमेरिकन व्यक्ति है, उसकी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। अमेरिकन व्यक्ति की गाड़ी रुकने का कारण है कि शायद वो ख़राब हो गई है, उसका पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया है। तो वो अमेरिकन व्यक्ति की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है और अमेरिकन व्यक्ति मुनि के पास आता है। दोस्तों अब हमें यहाँ पर जो इसकी एक मेन थीम है इस कहानी की वो देखने को मिलेगी, जो कल्चरल क्लैश है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। कल्चरल क्लैश बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर, विच इज़ वन ऑफ द मेन थीम्स इन दी स्टोरीज एंड द नॉवल्स ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण के जो वर्क में ये मुख्य थीम है ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, जहाँ पर हम एक तरफ तो पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, एक तरफ भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। एक अमेरिकन अब मुनि के पास आया है और मुनि से वो बातें कर रहा है, वो इंग्लिश में बातें कर रहा है और मुनि जो है अपना जवाब तमिल में दे रहा है। अब यहां पर वो एक दूसरे से बातें तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी किसी की बात को नहीं समझ पा रहा है। मुनि जब वो उसकी खाकी ड्रेस देखता है तो वो डर जाता है, उसको लगता है कि शायद वो जो व्यक्ति है, अभी पास के गांव में एक मर्डर हुआ था उसके सिलसिले में उसके पास वो व्यक्ति आया है और उसके बारे में उससे बातें करना चाहता है। और मुनि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो अमेरिकन उससे बातें करता है और इसी बीच में अमेरिकन जो है मुनि को एक सिगरेट ऑफर करता है। मुनि उस सिगरेट को ले देता है, एक्सेप्ट कर लेता। अब उसको लगता है कि शायद अमेरिकन से डरने की आवश्यकता नहीं है और दोनों के दोनों बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। अब मुनि उसको अपने गांव कृतम के बारे में बताता है और उसको बताता है कि उसके गांव में केवल 30 घर हैं और उनमें से केवल एक घर है जो कि एक जमींदार का है, जो कि पक्का और ईंटों का और सीमेंटेड बना हुआ घर है। और मुनि उसको उसके विषय में भी बताता है, अपनी भेड़ बकरियों के बारे में भी बताता है, उसकी पुरानी स्थिति के बारे में बताता है कि किस प्रकार से उसके पास करीबन 40 भेड़ बकरियां हुआ करती थीं लेकिन वक्त के हिसाब से सब जो है वो चली गई, अब उसके पास केवल 2 बकरियां बची हैं। और मुनि उसको उस घोड़े की कहानी भी बताता है जिस घोड़े के वो नीचे बैठे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो कहानी उसके दादा ने उसको बताई थी। अब देखो आश्चर्य और असमंजस की बात ये है कि दोनों एक दूसरे की बातों में रुचि ले रहे हैं लेकिन ना तो मुनि अमेरिकन की बातों को समझ पा रहा है ना ही अमेरिकन मुनि की बातों को समझ पा रहा है, लेकिन दोनों के दोनों बातें कर रहे हैं। इसी बीच में जो अमेरिकन है वो भी मुनि को अपने बारे में कुछ बताता है। वो उसको बताता है कि वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में
जब बिजली नहीं आती थी तो उसका एयर कंडीशनर काम नहीं करता था, इसलिए उसने वहां से छुट्टियां ले ली हैं और वो इंडिया घूमने आ गया है। और वो व्यक्ति जो है घोड़े की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहा होता है, तो मुनि को लगता है शायद इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो घोड़े में है और वो इस घोड़े को लेना चाहता है, उसको ऐसा लगा मुनि को। और इसी बीच में जो है जो अमेरिकन व्यक्ति है वो उस बकरियों पर हाथ फेराने लगता है, जो मुनि की जो बकरियां हैं उस पर हाथ फेराने लगता है। अब मुनि को ये लगता है कि अरे घोड़ा नहीं, इसको मेरी बकरियां चाहिए, ये बकरियां लेना चाहता है और वास्तव में इसको बकरियां ही खरीदनी है। और उसका जो ये डाउट है ये अब यकीन में तब बदल जाता है जब वो अमेरिकन व्यक्ति मुनि को 100 रुपये थमाता है, मुनि को 100 रुपये देता है और 100 रुपये देता है, उसकी बकरियों की तरफ वो हाथ फेरता रहता है। अब मुनि को लगता है कि इस अमेरिकन व्यक्ति को उसकी बकरियां चाहिए, तो मुनि क्या करता है, मुनि अपनी बकरियों को वहीं पर उस अमेरिकन व्यक्ति के पीछे छोड़कर आ जाता है और 100 रुपये लेकर बड़ा खुश हो जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। अब वो अपनी पत्नी को 100 रुपये दिखाता है, उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उस समय 100 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी और 100 रुपये देखकर वो खुश हो जाती कि भाई आज तो तुमने कुछ काम किया है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बकरियों को बेच आया हूँ और इन बकरियों से मैंने ये पैसा कमाया है। अब पत्नी इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, इसी बीच में बकरियों की आवाज़ आने लगती है, बकरियाँ मुनि के पीछे पीछे ही उसके घर पहुँच जाती हैं। अब उसकी पत्नी मुनि पर क्रोधित हो जाती है कि उसको लगता है कि मुनि उससे झूठ बोल रहा था। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी क्योंकि मैं वो लम्हे वो क्षण को नहीं देखना चाहती कि जब पुलिस घर पर आएगी और तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। कि उसको संदेह होता है कि उसने चोरी की है, ये 100 रुपये की चोरी की है मुनि ने, ऐसा उसकी पत्नी को संदेह होता है। तो दोस्तों ये थी अ हॉर्स एंड टू गॉड्स शॉर्ट स्टोरी बाय आर के नारायण, जिसमें कल्चरल क्लैश ईस्ट और वेस्ट एनकाउंटर को दिखाया गया, नॉलेज एंड विजडम की थीम को दर्शाया गया और इसके अलावा इंडियन पॉवर्टी द कंडीशन ऑफ द इंडियन पुअर पीपल उसको भी दर्शाया गया कि भारतीय गरीबी को भी इसमें दर्शाया गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जो आपको ये कहानी पसंद आई या फिर जो मैं अन्य कहानियाँ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लिटरेचर के अन्य वर्क लेकर आ रहा हूँ, दोस्तों ये जो स्टोरी है ये BA में CCS यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में नए सिलेबस में लगी हुई है, इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कहानी चल रही है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।